थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को भगवान हम ब्रह्मा से याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। बच्चा है वो और कैसे लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उसकी सिर से नाचेंगे सीने में, नहीं तो तेरे सीने में ही हो गई आग, आग जलनी चाहिए। ओम शांति। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़े तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह, अर्थात छोटे भी कई बार ऐसे कर्तव्य कर जाते हैं जो हम सब मानते हैं कि वास्तव में ये कुदरत का कैसा एक अजीब सा नमूना है और हम सब अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आप सब आजकल एक नाम से भली भांति परिचित होंगे, कौटिल्य पंडित, जिसे गूगल बॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज स्टूडियो में कौटिल्य हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनसे बात करते हैं। कौटिल्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, ओके। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? माउंट आबू। माउंट आबू, राइट। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इस विद्यालय में आके, स्कूल में आप भी जाते हो, इस विद्यालय में आके कैसा लग रहा है कौटिल्य? अच्छा। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। कल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने देखी होंगी यहाँ पे, आज भी बहुत सारी चीज़ें देखी। यहाँ कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? यहाँ पे? हाँ। कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी आपको? सबसे अच्छी, यहाँ बहुत ग्रीनरी है, पेड़ हैं, पर्वत हैं, बहुत सारे भाई बहने हैं। लंगूर। अच्छा, लंगूर देखा आपने यहाँ पे, बहुत अच्छा। बहुत प्यारा। अच्छा, दादी जी से भी आप मिले होंगे, है ना? हुँ? दादी गुलजार जी से आप मिले होंगे, दादी जानकी जी से आप मिले होंगे, कैसा लगा कौटिल्य उनसे मिलके आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दादी जी ने क्या अच्छी बात आपको सुनाई, कोई भी सुंदर बात? दादी जी ने कुछ बात की आपसे? हाँ। क्या बोला? मुझे, हाँ, मुझे बोला कि कौटिल्य बहुत अच्छा है ना? दादी ने यही बोला होगा। ओके कौटिल्य, तो आपके विशेष फील्ड पे पहले मैं आता हूँ, ठीक है? और ये चीज़ है जो आपकी आपकी जो जनरल नॉलेज है, सभी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूँ? हाँ। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चंस आपके लिए, उसके पश्चात फिर जो यहाँ आप अनुभव कर रहे हैं मैं उस विषय पे आऊँगा। अच्छा, एक पहला प्रश्न कौटिल्य आपके लिए, भारत में कितने पौंडीचेरी हैं और कहाँ कहाँ हैं? भारत में चार तो पौंडीचेरी हैं, और दो तमिलनाडु में, एक केरला में, और एक है आंध्र प्रदेश में। वाह, वेरी गुड, ओके। अच्छा कौटिल्य, भारत में कुल कितने मुख्यमंत्री बनते हैं? भारत में स्टेट कितने हैं और मुख्यमंत्री कितने बनते हैं? 30 तो मुख्यमंत्री बनते हैं, और स्टेट है 28। 28, तो ये दो मुख्यमंत्री कहाँ बनते हैं? पौंडीचेरी, हाँ, और दिल्ली। अरे वाह, वेरी गुड। हरियाणा से आप आए हुए हैं, तो हरियाणा से छोटे और कितने देश हैं? विश्व में बहुत सारे देश है ना, हरियाणा जो स्टेट है उससे भी छोटे छोटे बहुत सारे देश। पॉपुलेशन में? पॉपुलेशन वाइज या एरिया वाइज? पॉपुलेशन में है 1047। हाँ, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वे है 88। 88 देश जो हरियाणा से भी छोटे हैं। वाह, वेरी गुड, ओके। अरे बताऊं? हाँ जी बताइए। जो एशिया में है 12, और जो वहाँ पे है यूरोप में, नहीं एशिया में 11, यूरोप में 12, अफ्रीका में अफ्रीका में है टोटल 13, और भी कहीं है, हाँ, और आठ हैं ओशिनिया में। आठ ओशिनिया में, बहुत सुंदर, ओके। पृथ्वी का भार कितना है? पृथ्वी का भार, भार कितना वजन है, पृथ्वी का वजन कितना है? 59,700 मीट्रिक टन। ओहो, बहुत सुंदर। अच्छा, आप अभी राजस्थान में आए हुए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। वेरी गुड।
अच्छा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूएस का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? अलास्का। अलास्का, वेरी गुड। भारत ने क्रिकेट बहुत ज्यादा हमारे देश में खेला जाता है, आप जानते हैं ना, भारत ने क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब जीता? उस समय भारत के कैप्टन कौन थे क्रिकेट में आपकी रुचि? कपिल देव थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। बहुत सुंदर, आपने सारे प्रश्नों के बहुत प्यारे उत्तर दिए हैं कौटिल्य। अब मुझे ये बताएं कि आप ये जो इतनी सारी चीजें याद रखते हैं वो आपने इसे पढ़ा हुआ है या आपको लगता है कि आपको कोई इंट्यूशन आती है या ईश्वर की तरफ से मदद मिलती है जो आप इतने तुरंत उत्तर दे देते हैं, क्या कारण है इसका? इसके अंदर भगवान की देन भी है। हाँ हाँ। और कृष्ण जी की है मेन तो, और मैं मानता हूँ अपने कॉन्फिडेंस की। वेरी गुड, बहुत सुंदर। पहला स्थान आपने दिया भगवान को कि भगवान की ये देन है, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की देन है, बहुत सुंदर है। तो कौटिल्य आप भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं, भगवान कृष्ण की क्या आप पूजा भी करते हैं? पूजा तो मैं हनुमान जी की करता हूँ। हाँ, और कृष्ण जी की? कृष्ण जी की तो मैं मन मन में ही करता हूँ, मन मन में हर जगह। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको लगता है कि आप इनसे मिलने के भी इच्छुक हैं? क्या मिल सकते हैं इनसे कौटिल्य? हाँ। कहाँ रहते हैं कृष्ण जी? पर जहते क्या बात नहीं, सपने में भी मिल सकता हूँ। पर भगवान का सपना तो सच ही होता है। भगवान का सपना सच्ची होता है, आपको लगता है? वैसा नकली होता है, वैसे नकली होता है। मैं एक विशेष बात पूछना चाहता हूँ कौटिल्य आपसे कि कृष्ण जैसा हमारे देश में एक चीज कहा जाता है कि हर बच्चा मोहन हो और हर बच्ची जो है वो राधिका हो, अर्थात पूरा ही देश स्वर्ग जैसा हो, ये मानते हैं ना? यदि हम अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जैसा बापू गांधी जी का भी स्वप्न था ना कि राम राज्य हो, हमारा देश जो है स्वर्ग हो, यदि देश को स्वर्ग बनाना हो तो आपके विचार से क्या करना चाहिए? पर कोई देश गोला फेंके यहाँ इंडिया पे स्वर्ग बनने के बाद, तो इंडिया को उसके ऊपर गोला फेंकना चाहिए, तो गोला और दोनों भी रहेंगे और कुछ नहीं होएगा दोनों देशों को। मतलब लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। हाँ। शांति से फायदा है, ना हम गोला फेंके ना तुम गोला फेंको, हम भी शांति से रहें, तुम भी शांति से रहो, जियो और जीने दो, ठीक है ना? इस संसार में चारों तरफ सुख हो, शांति हो, आनंद हो, ऐसा चाहते हैं ना आप? हाँ। कोई किसी से ना लड़े ना झगड़े, सब आपस में प्यार से रहें, चाहते हैं ना ऐसा? महात्मा गांधी भी चाहते थे ना? हाँ। क्या करना पड़ेगा आपको, क्या लगता है इसके लिए? मेन है सुख और शांति। मेन सुख और शांति है, हर एक व्यक्ति सुख और शांति से रहे और दूसरों को भी सुख और शांति से रहने दे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आज के हमारे परिवेश में कौटिल्य आप देश की हालत देख रहे होंगे, चारों तरफ भ्रष्टाचार की बात आप सुनते होंगे, बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है चारों तरफ, ये देख करके किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। एक प्रश्न है मेरा, यदि आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? मैं? हाँ। सेवा। क्या सेवा करोगे? पर मेरी तो ये है कि जहाँ भी भ्रष्टाचार होगी उसको मिटाना जरूर है, इसके ऊपर मेरी कविता है जी। हाँ सुनाइए इरशाद। हो गई है पीठ पर अच्छी पिघलनी चाहिए, इस माल से नई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर दो कीट रहने लगी, शर्ट लेकिन ठीक है बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा कर ना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग पड़ी आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग पड़ी आग जलनी चाहिए। क्या बात है, आपकी आग दिखाई दे रही है। इसका आग कमेंट ये है कि जहाँ पे भी भ्रष्टाचार हो और वो वहाँ पे ही जलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार जल जाए। पहले है मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही, बिल्कुल मैं नहीं कर पाऊँ तो तू भी करेगा नहीं तो ये सब कर सकते हैं, पर उसको पर वो
जहाँ भी हो वो जलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस कविता को सुन करके मेरे सीने में तो आग जलने लगी है, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके सीने में भी अब आग धधकने लगी होगी कि भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल दूर करेंगे और एक अच्छे राम राज्य की स्थापना करेंगे, राइट। कौटिल्य, एक विशेष बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी प्रश्न किया, आपकी उम्र के बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको अब एक आदर्श के रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि हम भी कौटिल्य के जैसे बने, हम भी ऐसे नाम कमाएं और साथ ही साथ हम भी ऐसे प्रतिभाशाली बने, उन बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली 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 थिंकिंग नॉर्मल थिंकिंग सब कुछ नॉर्मली। कौटिल्य, विशेष ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत सुंदर ज्ञान की बातें सुनाई जाती हैं, आप वहाँ करनाल में भी गए होंगे सेवा केंद्र पे, अभी आप यहाँ हेडक्वार्टर्स में आए हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, तो सुंदर सुंदर बातें तो सुनाई जाती हैं, हाँ। सिखाई जाती हैं, उनमें से कोई सुंदर बात आप हमें सुनाना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को, जो आपने सीखी हो? कुछ खास बात मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा, मैं पूछूं, जैसे यहाँ पे पहली बात पूछी जाती है और सिखाई जाती है कि आप कौन हैं, तो यदि मैं आपसे पूछूं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आप कौन हैं, तो इसका जवाब क्या? आप आत्मा हैं, राइट। अच्छा, आत्मा रहती कहाँ पे है? मस्तक में। मस्तक में। अच्छा, परमात्मा का नाम क्या है? आदिशक्ति। आदिशक्ति, वो कहाँ रहते हैं? वे परमधाम में। परमधाम में रहते हैं, बहुत सुंदर। अच्छा, परमात्मा इस सृष्टि पर विशेष क्या कार्य करते हैं? क्या परमात्मा क्या कार्य करते हैं कौटिल्य? यहाँ पे हाँ, पालना, पालना का कर्तव्य करते हैं, सबको सुख देते हैं, सबका कल्याण करते हैं, राइट। अच्छा, कल एक विशेष आयोजन किया गया था कौटिल्य, जब आप आए तो बहुत बड़ी सभा थी, 20,000 लोग बैठे हुए थे। हाँ जी, 15,000। अच्छा, 15,000 या 18,000 जी। तो कल एक विशेष आयोजन था कौटिल्य, जबकि 15,000 लोग यहाँ पे पूरी एक सभा में बैठे हुए थे, वहां पे आपने जो अनुभव किया, किससे आपका मिलन हुआ और आपका क्या अनुभव रहा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी गुड कौटिल्य। विशेष बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा ना, निश्चित रूप से इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे तो उन्हें भी ये अच्छी अनुभूति हुई, तो निश्चित रूप से आपको भी सुंदर अनुभूति तो अवश्य हुई ही होगी। हाँ। कौटिल्य, आगे मैं जानना चाहता हूँ कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? IFS। IFS बनना चाहते हैं, विशेष यही क्यों बनना चाहते हैं? मेरे को राजदूत, मेरे को विदेश में जाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, गुड। विदेश सेवा में आप आकर के विदेश की सेवा या देश की सेवा करना चाहेंगे? नहीं, और देशों के, अब इंडिया को जोड़ूंगा, और देश, और जो दूसरे देश है उनको इंडिया से जोड़ूंगा, और जो इंडिया में जो विदेश के इंडिया में लोग रहते होंगे उनकी सेवा करूंगा। बहुत अच्छी बात है, सेवा की भावना आपके अंदर बहुत अच्छी है, और निश्चित रूप से ऐसी सेवा भावना। और एरोप्लेन में भी फ्री जाना होता है। अच्छा, इसलिए भी आप विदेश सेवा में जाना चाहते हैं? हाँ। बहुत अच्छी बात है, चलिए जब आप विदेश सेवा में रहेंगे तो बिल्कुल चारों तरफ देश की सेवा करने के लिए आप यात्रा करें, ऐसी हमारी शुभकामना रहेगी। विशेष कौटिल्य, एक बात, चूंकि आप अभी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आए हुए हैं, यहाँ विद्यालय में आपने चारों तरफ भ्रमण किया है, और मैंने विशेष ये भी कहा आपको कि कुछ सुंदर ज्ञान की बातें आपको यहाँ पे सुनाई गई हैं, सिखाई गई हैं, यहाँ एक राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, ठीक है, जिसमें हम परमात्मा को याद करते हैं, आपने भी राजयोग का अभ्यास किया? नो, नहीं किया। अच्छा, बाबा के कमरे में आप बैठे? हाँ। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर लगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी बताई जाती है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में गुणों को धारण करना चाहिए, शांति एक गुण है, सहनशीलता एक गुण है, बहुत सारे गुण हैं, और जब व्यक्ति के जीवन में गुण आ जाएंगे तभी हम सृष्टि को स्वर्ग बना सकेंगे। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि हर एक व्यक्ति को गुण धारण करना चाहिए? हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक अंतिम बात कौटिल्य आपसे, क्योंकि आप हर एक जगह पे जाते हैं, सभी लोग आपको देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपके साथ फोटो आदि खिंचवाना चाहते हैं, तो आप सभी जगहों पे जब ऐसे जाते हैं और एक सेलिब्रिटी के तौर पे लोग आपको देखते हैं, आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, आपको कैसा लगता है तब? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। कौटिल्य, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ आए, बहुत सारे सुंदर हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। हम यही चाहेंगे
कि आप बहुत बहुत आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें, देश का नाम रोशन करें। अब भी आप नाम रोशन कर रहे हैं, देश का और भी आगे रोशन करते रहें और बार बार इस ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में आते रहें। आते रहेंगे बार बार? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मित्रों, आप थे कौटिल्य पंडित, जिसे गूगल बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वास्तव में दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन यदि हम कौटिल्य को 8वां अजूबा कहें तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अगले मेहमान के साथ एक बार पुनः आपके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।